हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नदीम और आज की वीडियो में हम लोग घूमेंगे टीके वाटरफॉल्स और टीके वाटरफॉल के बारे में जानेंगे। यह बेंगलुरु से करीब 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, कनकपुरा रोड के पास में पड़ता है। तो टीके वाटरफॉल कैसे जाना है, कब जाना है और यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपको बताऊँगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। टीके वाटरफॉल जो बेंगलोर के नियर में सबसे खूबसूरत जगह है, सबसे अच्छी जगह है, आप बेस्ट प्लेस नियर बेंगलोर मान सकते हैं और यहाँ पे आप ज़रूर घूमें। टीके वाटरफॉल बेंगलोर के नियर में सबसे बेस्ट प्लेस है विजिट करने के लिए। हाफ डे ट्रिप प्लान कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो फुल डे पिकनिक मना सकते हैं, आउटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप बाइक राइड इंजॉय कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, जंगल वॉक कर सकते हैं और वाटरफॉल में इंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल सबसे बेस्ट प्लेस अगर नियर बेंगलोर कहा जाए तो ये टीके वाटरफॉल ही है। यहाँ जाने के लिए चार रास्ते हैं, तीन रास्ता जो कनकपुरा रोड से होते हुए जाता है और एक रास्ता जो बनारगट्टा रोड से होते हुए जाता है। पहला रास्ता जो कनकपुरा रोड से उदीपाल्या बस स्टॉप से लेफ्ट लेके आपको जाना है, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ये काफ़ी ख़राब है और अगर बारिश होती है तो बारिश के सीजन में और भी ख़राब हो जाता है। दूसरा रास्ता जो कनकपुरा रोड से होते हुए कगलीपुरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेफ्ट लेके आप सीधे टीके वाटरफॉल पार्किंग तक जा सकते हैं। ये रोड काफ़ी अच्छा है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे आप टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों से भी इजीली जा सकते हैं और रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। इवन आप बाइक राइड भी काफ़ी इंजॉय करते हुए आप डायरेक्ट टीके वाटरफॉल तक जा सकते हैं। तीसरा रास्ता जो कनकपुरा से होते हुए कगलीपुरा रोड से होते हुए आप गुलकमेले लेक तक जाएंगे, वहां से आप सीधे निकल जाएंगे टीके वाटरफॉल तक। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से टीके वाटरफॉल जाना चाहते हैं तो आप बनशंकरी से बस लीजिए नालाकाना डोडी बस स्टॉप तक के लिए, वहां पे उतर के आप टीके वाटरफॉल वॉकिंग करके भी जा सकते हैं। तो जो तीसरा रास्ता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पहुँचते ही आपको मिल जाएगी पार्किंग, टू व्हीलर फोर व्हीलर पार्किंग, काफ़ी बड़ी एरिया है और पार्किंग के लिए आपको कोई फ़ी पे नहीं करना है। वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और वीकडेज़ पे थोड़ा कम मिलेगी, लेकिन आपको पार्किंग और खाने पीने का स्टॉल हमेशा मिल जाएगा, तो आप चाय पानी कर सकते हैं, खाना पीना कुछ खाना चाहें तो खा सकते हैं। पार्किंग से टीके वाटरफॉल का जो मेन पॉइंट है वहाँ तक की डिस्टेंस 500 टू 700 मीटर के डिस्टेंस पे है। बेहतर है कि अगर आपको टाइम है तो वीकडेज़ पे आइए और अर्ली मॉर्निंग आइए, अगर आप वीकेंड्स पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो अर्ली मॉर्निंग आए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप पार्किंग के पास में ही आप कैंपिंग, पिकनिक, फैमिली आउटिंग जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। चौथा रास्ता जो कि बनारगट्टा से होते हुए आता है, तो यहाँ आने के लिए बनारगट्टा से आपको कगलीपुरा रोड से होते हुए आपको पहुँचना है गुलकमेले विलेज के पास तक। वहाँ से आप जो गुलकमेले लेक है उससे पहले ही आपको राइट लेके सीधे आप पहुँच जाएंगे टीके वाटरफॉल के सेकंड पार्किंग की तरफ। बीच रास्ते में आपको काफ़ी खूबसूरत व्यू एंजॉय करने को मिलेगा और यहाँ पे विलेज वाइब आप एंजॉय कर सकते हैं। यह रास्ता कुछ जगह पे अच्छा है और कुछ ख़राब भी है, तो इस रास्ते से भी आप टीके वाटरफॉल के सेकेंड पार्किंग तक पहुँच जाएंगे। इस पार्किंग में आपको 20 रुपीज़ पार्किंग फ़ी पे करना है और सामने की तरफ आप देख सकते हैं टीके वाटरफॉल जाने का रास्ता। यहां से आपको टीके वाटरफॉल तक जाने के लिए करीब 400 टू 500 मीटर के डिस्टेंस बाई वॉक करके जाना है और काफ़ी सारे वाटर स्ट्रीम्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि टीके वाटरफॉल से ही निकलते हैं। तो बीच रास्ते में ही आप काफ़ी सारी जगहों पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। 10 टू 15 मिनट के वॉक के बाद आप पहुंच जाओगे टीके वाटरफॉल के मेन पॉइंट पे। यहाँ पे पानी साल के 12 महीना भी रहता है, मानसून सीज़न में ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे आप कुछ टाइम स्पेंड करिए, वाटरफॉल में इंजॉय करिए और उसके बाद आप वाटरफॉल के ऊपरी हिस्से पे भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको छोटे छोटे काफ़ी सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे पैर वगैरह काफ़ी स्लिप करता है, तो बहुत ही केयरफुल रहिए और इस एरिए को, नेचर को आप इंजॉय करिए, यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह करिए।
सामने की तरफ पीक पॉइंट आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी आप जाके फोटोग्राफी वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है, काफ़ी डेंजर जगह है। तो आप फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, फैमिली वालों के लिए ना जाएं तो अच्छा है। तो वहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह करके फिर आप वापस आ जाइए। यहाँ से आप वाटरफॉल को एंजॉय कर सकते हैं और आसपास के एरिया को भी आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखेगा आपको। उसके बाद आप वाटरफॉल के टॉप पॉइंट पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स, वाटर स्ट्रीम्स देखने के मिल जाएंगे। वहाँ पे आप सेफली नहा भी सकते हैं, पानी में एंजॉय भी कर सकते हैं। यहाँ पे नहाने में भी कोई रिस्क नहीं है और पानी में भी आप एंजॉय करने में भी कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एरिया मिल जाएगा खाली, जहाँ पे आप कैंपिंग करना चाहो तो कैंपिंग कर सकते हो, पिकनिक मना सकते हो, बच्चों के साथ फैमिली के साथ आराम से आप फुल डे एंजॉय कर सकते हो।